सत्ता में काबिज होने के लिए जो लोग महंगाई का रोना रो रहे थे, अब वह खुद जनता को महंगाई की तरफ जनता को ढकेल रहे हैं। यह बात पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कही। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस महंगाई के खिलाफ घड़ियालू आंसू बहाती थी तथा सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया। देखिए, कांग्रेस ने चुनावों से पहले महंगाई के खिलाफ घड़ियाली आंसू बहाए और वैसे ही कांग्रेस ने सत्ता संभाली, लोगों को ठग कर गुमराह करके, और सत्ता में आने के बाद भी इस ठगी को उन्होंने प्रारंभ रखा है और अब भी लोगों को गुमराह करने के लिए लगातार प्रयासरत। जो महंगाई का राग अलापते थे, उन्हीं ने सत्ता में आते ही प्रदेश के अंदर 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल के रेट बढ़ाए और जिसके कारण आज पूरे प्रदेश के अंदर रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो है महंगाई की मार पड़ रही है। गरीब लोगों के ऊपर जो है इसका बहुत असर हुआ है। और जो प्रदेश के अंदर पहले महंगाई और इन सारी बातों की चर्चा करते थे, आज प्रदेश में सत्ता संभालने के साथ ही प्रदेश के अंदर जो आर्थिक बोझ इन्होंने डाला है, इस छोटे से प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के साथ एक डिप्टी सीएम बनाना, उप मुख्यमंत्री बनाना, एक किस बात का जो था कि क्या दर्शाता है। छोटा सा हमारा प्रदेश है और उप मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री के बराबर जैसी ही सुरक्षा और अन्य सुविधाएं और बहुत बड़ा बोझ जो है पूरे प्रदेश के अंदर इसका जनता के ऊपर पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने केवल और केवल अपनी अंदरूनी लड़ाई को दबाने के लिए इस पर पानी फेरने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम जो है वो होने वाले हैं। और इसी तरह प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस सरकार प्रदेश में को कंगाल बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को कंगाल कर, उनका कहने में कितना विरोधाभास है। जहां एक डिप्टी सीएम बना रहे हैं, वहीं साथ में 6-6 सीपीएस बना रहे हैं और उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है। ये अपने आप में कांग्रेस का एक दोमुहिया बात है जिसको प्रदेश की जनता जो है बहुत गहराई के साथ देख रही है। और कांग्रेस की यही बातें जो है आने वाले समय में कांग्रेस को ले डूबेंगी। इस प्रकार जो सरकार जो सत्ता से जब वो बाहर थे तब प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई के आंसू बहाते थे और आज आने के सत्ता में आने पर जो है उनका असली रुख जो है असली चेहरा जो और सत्ता पर काबिज होने के बाद अब भी कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहला तोहफा महंगाई का डीजल के दामों में बढ़ावा दिया है, जिससे रोजमर्रा की चीज़ों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है जिसमें डिप्टी सीएम हुआ पीसीएस बनाकर उन्हें कैबिनेट का दर्जा देकर जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। गर्ग ने कहा कि केवल अपनी पार्टी की कलह को रोकने के लिए आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया है, अब कांग्रेस पार्टी महंगाई के ऊपर बोलने से कतरा रही है। गर्ग ने कहा कि आने वाले समय में इस तरह की चाल कांग्रेस को ले डूबेगी। हिमाचल प्रदेश से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।